क्या भगवान सच में है या बस लोगों का एक किस्सा है? क्या सच में हमारी मदद करने के लिए भगवान आएंगे? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मूवीज एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा आपके रिव्यू शेयर करने के लिए, एंड आपके सजेस्टेड मूवीज़ को मैं जल्दी एक्सप्लेन करने लाऊंगा। दोस्तों, फाइनली न्यू माइक भी आ चुकी है, एंड बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हम बात करेंगे मूवी ट्रेंड्स के बारे में, एंड एक हॉलीवुड नहीं बल्कि एक मलयालम मूवी है। इसकी स्टोरी सही में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि भगवान के बारे में, कि क्या सच में भगवान होता है। IMDb पे इसको रेटिंग्स मिली है 7.3 out of 10, एंड 87% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी की स्टार्ट होती है जहां हमें विजू से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। विजू एक एंटरप्रेन्योर रहता है, यानी कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर रहता है, लेकिन फिलहाल उसके बिजनेस में वो अकेला ही रहता है, एंड इससे उसको कुछ खास कमाई भी नहीं हो रही होती। विजू काम पर निकलने से पहले हमेशा आईने में देखकर खुद को मोटिवेट किया करता था। विजू घर से निकल पड़ता है, एंड काम के लिए ऑफिस बिल्डिंग के लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट में हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम कविता रहता है। विजू कविता को नोटिस करता है, एंड कविता के बहुत सारे पसीने छूट रहे होते हैं। लिफ्ट में सब आने के बाद विजू काव्या को अप्रोच करता है, एंड अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि मैडम, क्लॉस्ट्रोफोबिया कैन बी ट्रीटेड। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी कि बंद जगहों से डर। काव्या को बंद जगह से डर लगता है, एंड जैसे ही विजय अपनी बात ख़त्म करता है, बिल्डिंग्स की लाइट चली जाती है, एंड लिफ्ट बीच में ही बंद हो जाती है। काव्या डर से चीख लगा देती है, एंड विजय उसे शांत कराने की कोशिश करता है। उससे लंबी लंबी सांसें लेकर रिलैक्स करने को कहता है, एंड तभी बिल्डिंग्स की जनरेटर ऑन हो जाती है, एंड लिफ्ट फिर से चल जाती है। काव्या जल्दी जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकल जाती है, एंड विजय उसे रोक कर कहता है कि मैडम, आपके इस डर को मैं अपने स्पीकिंग से दूर कर सकता हूँ। लेकिन काव्या उसे सॉरी कहती है, क्योंकि काव्या कन्याकुमारी में बस एक दिन के लिए आई थी, वो असल में मुंबई की रहने वाली थी। यहाँ पर बाद में हम विजू को अपने मोटिवेशनल क्लासेस लेते हुए देख पाते हैं, जिसमें ज़्यादातर सब बूढ़े बूढ़े ही आए हुए थे। अब इससे विजू को ज़्यादा कुछ कमाई होती नहीं थी, इसलिए वो 5-star होटल में एक वेटर का काम किया करता था। होटल की शिफ्ट करने के बाद विजू अपने घर वापस जाता है। घर जाने पर वो देखता है कि घर में लाइट्स नहीं थी। अंदर से उसका छोटा भाई कुंजा बाहर आता है, एंड वो विजू से कहता है कि इलेक्ट्रिशियन आकर फ्यूज़ निकाल ले गया। यहाँ विजू उससे कहता है कि जो पैसे मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए दिए थे उसका क्या हुआ। कुंजा कहता है कि पास ही में एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है, तो मैंने उसमें जाकर पैसे खर्च कर दिए। विजू उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता, एंड देर रात कुंजा विजू से सॉरी कहता है, लेकिन विजू उससे कहता है कि कोई बात नहीं। सुबह बर्तनों की आवाज़ से विजू की आँख खुल जाती है, एंड वो हड़बड़ा कर किचन में जाता है, जहाँ कुंजा उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। कुंजा ने उसके लिए टमाटो करी बनाया था, जो उनकी मम्मी बचपन में उसके लिए बनाया करती थी। कुंजा किचन में चाकू से सब्जी काट रहा होता है, जिसे देखकर विजू डर जाता है। विजू जल्दी से उससे चाकू ले लेता है, एंड फिर किचन में पड़े सारे चाकू और ऊपर से एक हथौड़ा भी लेकर बाथरूम की ओर बढ़ता है। कुंजा उससे पूछता है कि तुम ये सब कहाँ ले जा रहे हो, जहाँ पर विजू हंसते हुए कहता है कि मैं शेव करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक फ्लैशबैक आती है, एंड कुंजा ने एक बार हथौड़े से विजू के सर पर मारा था, एंड मेंटल हॉस्पिटल वाले कुंजा को ज़बरदस्ती यहाँ से ले जा रहे थे। अब क्योंकि उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक थी, तो विजू कुंजा को वापस घर ले आया था। लेकिन हाल ही में फिर से कुंजा की दिमागी हालत ख़राब हो रही थी, एंड विजू उससे कहता है कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, एंड उसे मेडिसिन लेने को कहता है। कुंजा इस बात से गुस्सा हो जाता है, एंड उसे मारने लगता है। स्क्रीन चेंजेस, जहां विजू हॉस्पिटल कॉल करके डॉक्टर से एडवाइस ले रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर से बात करने के बाद विजू जब घर वापस आता है, तो वो टेबल पर एक लेटर देखता है जिसे कुंजा ने लिखा था। कुंजा ने लेटर में लिखा था कि उस दिन के बारे में उसे आज भी याद है, जब माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी, एंड इसी के साथ मूवी पास्ट में चली जाती है, जब विजू और कुंजा बहुत ही छोटे थे। एक दिन जब ये दोनों स्कूल से वापस आते हैं, तो ये लोग देखते हैं कि इनकी मदर ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी, एंड इनका कोई फादर भी नहीं था, तो ये दोनों अंदर से टूट जाते हैं। विजू बड़ा था, इसलिए वो पैसे के लिए बीच पर छोटे मोटे सामान बेचकर पैसे कमाने लगता है। लेकिन कुंजा अपने आप को बहुत ही हमेशा अकेला पाता है, एंड उसका कोई दोस्त नहीं रहता, तो इसी कारण से उसकी दिमागी संतुलन वक्त के साथ और भी ख़राब होती जाती है। स्क्रीन बैक टू प्रेजेंट आ जाती है, जहाँ पर विजू लेटर को पढ़ना छोड़कर कुंजा को कॉल लगाता है। फ़ोन की रिंगटोन उसके दूसरे रूम से आ रही होती है, तो विजू दूसरे रूम में जाकर देखता है। वहाँ पर वो देखता है कि कुंजा ने खुदकुशी कर अपनी जान ले ली रहती है। विजू इस बात से बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, एंड उसके लाइफ में अब कोई रीज़न नहीं था खुश होने के लिए। यहाँ तक कि वो जब तक मोटिवेशनल स्पीचेस भी दे रहा होता है, वो बीच में ही चुप पड़ जाता है। उसे बस कुंजा की याद सताती रहती है। वो कबर्ड निकालता है, एंड कुंजा के मेडिसिन निकालकर एक टैबलेट निकालकर उसे खा लेता है। अब विजू भी डिप्रेशन में चला जाता है। नेक्स्ट डे वो अपना सारा सामान पैक करके मुंबई की ओर निकल पड़ता है।
मुंबई में हम उसे कॉल पे डॉक्टर से बात करते देखते हैं एंड वो रोते हुए डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर बहुत दिन हो गए एंड मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। एंड फ़ोन काट कर फिर से वो एक दवाई खा लेता है। विजू मुंबई में कुरियर का काम करता है एंड उसे पैसे कमाने लगता है। एक दूसरे ट्रैफिक सिग्नल पर कविता मिल जाती है एंड बात करने पर पता चलता है कि कविता एक कास्टिंग एजेंट है एडवर्टाइजमेंट और फिल्म्स के लिए। विजू उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है एक जॉब के लिए। दूसरे दिन कविता विजू को कॉल करती है एंड उससे कहती है कि ट्रैपैक नाम का कंपनी है एंड उन लोगों ने विजू को जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया है। बीजू जल्दी से जॉब इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाता है एंड वो जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वो कंपनी के ओनर्स को देख पाता है जिनका नाम था सोलोमन और आइजैक। सोलोमन डायरेक्टली बीजू से पूछता है कि कितने सैलरी में तुम्हें लगता है कि आदमी खुश रहेगा, 50,000, 1,00,000, 10 करोड़। इतने पैसे सुनकर बीजू के होश उड़ जाते हैं। सोलोमन बीजू से कहता है कि हम लोग एक पावरफुल ड्रग बेचना चाहते हैं एंड वो ड्रग था रिलीजन। वो लोग चाहते थे कि बीजू उनके लिए एक स्पिरिचुअल लीडर बने, यानी कि एक मसीहा, भगवान का बंदा, एक पैस्टर। ये लोग कहते हैं कि जब तुम स्टेज पर चलोगे लंगड़े चलना शुरू कर देंगे, अंधे देखना शुरू कर देंगे, कैंसर पेशेंट्स के कैंसर अपने आप गायब हो जाएगी। विजू डर जाता है एंड वो कहता है इसमें तो बहुत रिस्क है। ये लोग कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, गवर्नमेंट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारा साथ देंगे। एंड इतने सारे पैसे देखकर विजू हाँ कर देता है। यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसे हम मेंटोर बोलेंगे, क्योंकि सोलोमन ने इसे हायर किया था विजू को क्रिश्चियनिटी रिलीजन पर सारी बातें सिखाने के लिए, कि उसे सबके साथ कैसे बात करना है, उसे सबके सामने क्या बोलना है, उसे किस तरह से चलना है एंड ये सब कुछ। इसकी ट्रेनिंग पूरे 6 महीने बाद पूरी हो जाती है एंड अब विजू विजू नहीं था, उसका नाम पास्टर जोशुआ था। मार्केट में सब तरफ बात फैल चुकी थी कि पास्टर जोशुआ भगवान का भेजा हुआ मसीहा है। विजू अब अपना पहला लाइव कॉन्सर्ट करता है जहाँ पर उसका स्पीच सुनकर सब जैसे पागल होते हैं। जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं सब उसे अब भगवान मानते हैं एंड अब वो यहाँ पर एक मिरेकल दिखाता है। ऑडियंस में से वो एक बूढ़ी औरत को बुलाता है जो अच्छे से चल नहीं पा रही होती है एंड उसके पैरों को सबके सामने ठीक कर देता है। ये देखकर सब लोग उसे सचमुच का भगवान मानने लगते हैं। ऐसे वो बहुत सारे कॉन्सर्ट करता है जिसमें वो हर तरह की बीमारी को ठीक कर देता है। धीरे धीरे ये बात पूरी दुनिया भर में फैल जाती है एंड गरीब से लेकर अमीर हर कोई उसके शरण में आ जाता है। इससे इन लोगों को करोड़ों की कमाई हो रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि विजू अब भी वो मेडिसिन खा रहा होता है। अब क्योंकि विजू इतना पॉपुलर हो चुका था तो उसको एक न्यूज़ रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए बुलाता है। विजू का टीचर उससे मना करता है लेकिन उसकी बात नहीं सुनता। इंटरव्यू में रिपोर्टर धीरे धीरे करके विजू के सारे प्रॉपर्टीज़, कार्स और लाइफस्टाइल दिखाकर उसे सबके सामने फ्रॉड बताता है। एंड फिर इन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि ये शो लाइव हो रहा था एंड दुनिया के हर कोने से इस वक्त इसे सब लोग देख रहे हैं। विजू का बांडा सबके सामने खुलने वाला था कि तभी रिपोर्टर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सबके सामने लाइव टीवी पर कोई चमत्कार करके दिखाओ। विजू एंकर को रोकते हुए बोलता है कि तुमने सबके सामने भगवान का इंसल्ट किया है एंड अचानक से रिपोर्टर को मिर्गी का दौरा आता है जिसकी वजह से वो लाइव टीवी पर सबके सामने नीचे गिर जाता है। ये सब लोग देखकर अब लगता है कि विजू सच में एक बंदा है जो कि भगवान का भेजा हुआ है। लेकिन हम ऑडियंस ही जान पाते हैं कि विजू ने एक लाइट बॉय को कुछ ड्रग्स दिए थे जिसने उसे रिपोर्टर की जूस में मिला दिया था, जिसकी वजह से रिपोर्टर की ऐसी हालत हो गई थी। ये बात सोलोमन और आइजैक को पता चल जाती है कि विजू ने बिना उनकी परमिशन के लाइव टीवी पर इंटरव्यू दिया था। रिपोर्टर के हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स भी वहाँ पर आ जाती है एंड सबको पता चल जाता है कि उसके ब्लड में कुछ ड्रग्स थे जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई थी। बात अब हाथ से बाहर निकल रही थी क्योंकि पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी थी। यहाँ पर विजू और आइजैक की लड़ाई हो जाती है जिसमें सोलोमन एक गोल्फ का बैट लेकर पीछे से विजू के सर पर मार देता है। दूसरे दिन हम विजू को हॉस्पिटल में कोमा में देख पाते हैं। डॉक्टर्स भी ये कह देते हैं कि 24 घंटों में उसकी मौत हो जाएगी। दूसरी ओर सोलोमन एक और आदमी का इंटरव्यू कर रहा होता है ताकि अब वो विजू की जगह ले सके। सब प्लान के हिसाब से चल रहा होता है। विजू मरने वाला था, इनके पास अब अपने बिजनेस के लिए एक नया चेहरा था। लेकिन जब ये सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं कि विजू मरा नहीं था। वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है जैसे कि वो मानो सच में भगवान हो। विजू सोलोमन को एक डील देता है कि अब से सारी अर्निंग्स वो 80% रखेगा। जब ये लोग मना कर देते हैं विजू इन सबको अकेले ही पीट देता है। बाद में पता चलता है कि विजू की ऐसी हालत ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हुई थी जो कि वो सालों से यूज़ कर रहा था। वह पूरी तरह से पागल हो चुका था, सचमुच में ही खुद को भगवान मानने लगा था। सोलोमन ये सब देखकर बहुत टेंस्ड हो जाता है क्योंकि इसके बिजनेस में उसे काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला था। इसलिए वो एक प्लान बनाता है एंड यहाँ पर एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम ईस्तर रहता है। वो ईस्तर को हायर करता है एंड विजू का पर्सनल असिस्टेंट बना देता है ताकि वो उसे उसकी हर पल की जानकारी दे सके। वक्त ऐसे ही बीतते जाता है एंड ईस्तर और विजू दोनों को एक दूसरे के लिए धीरे धीरे से फीलिंग्स आ रही थी।
अब स्क्रीन चेंज होती है जहाँ विजु अपना स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट कर रहा था। एंड में वो हर बार की तरह ऑडियंस से पूछता है कि क्या किसी को परेशानी है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। यहाँ ऑडियंस में वो रिपोर्टर रहता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। दरअसल रिपोर्टर को बहुत ख़राब लगा था कि विजु ने उसके सबके सामने इंसल्ट की थी, तो उससे बदला लेना चाहता था। इसलिए रिपोर्टर ने एक आदमी को व्हीलचेयर पर बैठा कर उसे पैसे दिए रहते हैं एक्टिंग करने के लिए कि वो चल नहीं सकता। विजु एक लंबी सी छड़ी मंगाता है यहाँ पर एंड व्हीलचेयर के आदमी से कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे अंदर से शैतान को पीट पीट कर बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है एंड डर से ही खड़ा हो जाता है। लेकिन बाकी सबको लगता है कि पास्टर ने सही में फिर से एक मैरिका लिखाया है। यहाँ पर ये सब चल रहा होता है एंड दूसरी तरफ एक छोटे से गांव में हम एक आदमी थॉमस को देख पाते हैं जो कि विजु का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार आई हुई थी लेकिन उसे डॉक्टर के पास ना ले जाकर विजु का नाम के प्रोडक्ट्स मार्केट से खरीद लेता है एंड भगवान के नाम पर लेकर अपनी बेटी को ठीक करने की कोशिश करता है। उसकी बीवी उससे बहुत मिन्नतें करती है कि वह उनकी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। थॉमस विजु को कॉल करके उससे सोल्यूशन मांगता है कि वो क्या करे ताकि उसकी बेटी ठीक हो जाए। विजु उससे कहता है कि भगवान तुम्हारा टेस्ट ले रहा है, वो तुम्हारी पापों की सज़ा तुम्हारी बेटी को दे रहा है। थॉमस फ़ोन पे ये सब बातें कर रहा होता है एंड इस तरह बाहर दरवाजे पर उसे दरवाजा खोलने बोलती है एंड वो विजु को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन विजु की मेंटली हालत ख़राब थी इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। थॉमस जब अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी मर चुकी थी। जब सब लोग उसकी बेटी को दफनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, थॉमस उसकी डेड बॉडी लेकर विजु के पास पहुँच जाता है। विजु से उसे ठीक करने को कहता है। सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं एंड थॉमस को वहाँ से ले जाते हैं। थॉमस खुद को बीटेड फील करता है कि अपनी बेटी की लाश को लेकर विजु के कार के पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन विजु वहाँ से चला जाता है। जब वो घर आता है तो वॉचमैन से पूछता है कि ईस्टर के बारे में, वो ईस्टर कहाँ है? तो वॉचमैन बोलता है कि कौन ईस्टर सर, इसके नाम से तो कोई लड़की ही नहीं है। तो ईस्टर को फ़ोन लगाता है लेकिन वो नंबर भी नॉट रीचेबल रहता है। विजु ऑफिस में भी जाकर उसके मेंटोर से पूछता है लेकिन वो भी यही कहता है कि ईस्टर नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। मेंटोर सब कहता है कि विजु तुम्हें आराम की ज़रूरत है। विजु उससे गुस्सा हो जाता है एंड उससे कहता है कि मैं तुम सबका सच्चाई लोगों को बता दूंगा। मेंटोर मुस्कुराते हुए कहता है कि शौक से करो लेकिन कोई तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा, तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। विजु अब यहाँ से थॉमस के घर जाता है एंड वहाँ पर रोते हुए उससे सॉरी बोलता है। विजु अब अपने रूम में एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता है जिसमें वो सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से उसे मुंबई से रिक्रूट किया गया था एंड वो कोई भगवान का बंदा नहीं था, ये सब एक नाटक था। एंड वो ये रिकॉर्डिंग को उस रिपोर्टर को भेज देता है ताकि वो रिपोर्टर इसे टीवी पर ब्रॉडकास्ट करके सबको असलियत बता सके, लेकिन रिपोर्टर की नीयत में खोट निकलती है। वो सोलोमन को कॉल करके उससे 5 करोड़ की डिमांड करता है। सोलोमन उसे ऑफिस आकर पैसे ले जाने बोलता है। रास्ते में एक ट्रक उस रिपोर्टर की गाड़ी से एक्सीडेंट कर देती है एंड ये सोलोमन की प्लानिंग थी, लेकिन मरने से पहले रिपोर्टर उस वीडियो को लाइव ब्रॉडकास्ट करवा देता है एंड वीडियो पूरी आग की तरह फैल जाती है। सब लोग गुस्से में थे कि कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है इन सब के साथ भगवान के नाम को लेकर। थॉमस भी एक आरी लेकर सोलोमन आइज़क को मार देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें सारे पैसे फ्रीज हो जाती हैं एंड विजु को मेंटली अनस्टेबल होने के कारण उसे जेल नहीं होती एंड उसे मेंटल एसाइलम में डाल देते हैं। यहाँ पर पूरे 2 साल बीत जाते हैं एंड विजु अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसे इस तरह का एक लेटर मिलता है एंड उसके पीछे एम्स्टर्डम तक जा पहुँचता है। एम्स्टर्डम में वो देखता है कि इस तरह अब एक नाइट क्लब में काम कर रही होती है एंड यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं एंड इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, तो मूवी कैसी लगी आपको? मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं किसी भी भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, इट्स जस्ट अ मूवी। तो एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं एंड यहाँ से सब्सक्राइब करके शो सम सपोर्ट एंड आप सभी की रिक्वेस्टेड मूवीज़ मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।